और ये जो आप पीछे बिल्डिंग देख पा रहे हैं वो इन लोगों की कैंपस की बिल्डिंग है, और आई गेस लोग बैठ के पढ़ाई या असाइनमेंट ऐसा कुछ करते हैं। एंड सेकंड थिंग कि यहाँ पे पार्ट टाइम का कैसा है, कि आसानी से मिल जाती है या बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है? सो हाई एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू पीसी ब्लॉग्स। सो आज की वीडियो में मैं आपको टूर कराऊंगा कॉनेस्टोगा कॉलेज ब्रैंटफोर्ड कैंपस का, साथ ही मैं वहाँ पे पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज कैसी है, बिकॉज मैं सबसे पहले आया था तभी मैंने 2-3 महीने वहाँ पे काम करा हुआ था फैक्ट्री में, सो वो भी बताऊंगा। पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी कैंपस का पूरा टूर करेंगे और लास्ट में बताऊंगा कि वर्थ इट था या नहीं था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो मैं जहाँ पे रहता हूँ किचनर वाटरलू साइड, और वहाँ से लेके ब्रैंटफोर्ड का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 42 किलोमीटर समथिंग है। सो अगर बाय कार जाते हैं तो आई गेस 50 मिनट्स या 45 मिनट्स के बीच के अंदर का कुछ टाइम लगता होगा। एंड यहाँ से वहाँ तक कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है नहीं, सो हम लोग राइड लेके ही जा रहे हैं वहाँ पे। सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे कॉनेस्टोगा ब्रैंटफोर्ड कैंपस की तरफ, और ये जो आप पीछे बिल्डिंग देख पा रहे हैं वो इन लोगों की कैंपस की बिल्डिंग है। सो ये सामने की तरफ पूरा बड़ा सा बस स्टैंड है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बसेस आती है, बहुत सारी बस है यहाँ पे अभी भी खड़ी हुई। सो यहाँ से ही अगर आप ब्रैंटफोर्ड में रहते हो तो आई गेस यहाँ से ही आपको बस ड्रॉप कर देगी, और सामने की तरफ ही बिल्डिंग है। अभी अंदर जाता हूँ, मेरे को थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा पूछने में किसी को पूछता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, और दिखने में से लग रहा है कि क्योंकि वहाँ पे से हाउस स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से लेके इतने तक के ही कॉलेज है। अभी अंदर से देखते हैं कितनी बड़ी है। सो यहाँ से बेसिकली मैं एंटर हुआ था, वो सामने रहा बस स्टैंड, और मैं वैसे देख के आया हूँ ऊपर तक, 2 फ्लोर तक है बिल्डिंग, सो ऊपर तक देख के आया हूँ। बट मेरे को बताया किसी ने कि नीचे की साइड ऐसे कोई सीटिंग टाइप का एरिया है, लाइब्रेरी या कैफेटेरिया जैसा, तो वहाँ पे जाता हूँ और वहाँ से शुरू करते हैं। सो यहाँ पे एक छोटा सा कॉमन एरिया जैसा है जहाँ पे आई गेस लोग बैठ के पढ़ाई या असाइनमेंट ऐसा कुछ करते हैं नीचे बेसमेंट में, और ये पीछे मेरे को एक क्लासरूम मिला है खाली, तो वो अंदर से दिखा देता हूँ क्योंकि उतनी ज़्यादा लोग हैं नहीं, सो कहीं पर घूम सकते हैं। आई गेस एक या दो ही क्लास होगी, ऑलमोस्ट शाम के 6 बज चुके हैं। सो ये वाला छोटा सा क्लासरूम है यहाँ पे, एंड ये सीटिंग अरेंजमेंट है, काफ़ी अच्छा सा है, प्रोजेक्टर वो सारी चीज़ें इंक्लूड है, और काफ़ी फ्रेश और साफ दिख रहा है। सो ये बेसमेंट में था, और एक खास बात ये होती है कि यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे मैंने माइक्रोवेव तो देखा ही है, तो माइक्रोवेव भी की फैसिलिटी भी, अगर आप अपना घर से कुछ सामान लाए हो खाने के लिए तो गर्म कर सकते हो। यहाँ पर फ्रिज भी है, मेरे को नहीं पता अंदर कुछ होगा नहीं होगा, देखते ओपन करके, कुछ नहीं पूरा खाली है, सिंक है, और ज़्यादा कुछ तो पीछे था नहीं, सिर्फ फैकल्टी के जो छोटे से ऑफिस टाइप के होते हैं वो है, और आई गेस वहाँ पे सामने एक मैकेनिकल रूम करके कुछ लिखा हुआ है, सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा, बट वो लॉक है सो उसमें जा नहीं सकते। सो नीचे का ये वाला स्पेस ही था, और अभी चलते ऊपर, और ऊपर में जाएंगे पहले दूसरी साइड। यहाँ से आपको थोड़ा क्लियर आइडिया हो जाएगा, तो लेवल 0 इज़ बेसिकली बेसमेंट, सो वहाँ पे 2 क्लासरूम और आईटी हेल्प डेस्क, फिर लेवल 1 जो है वो ये फ्लोर है, एंटर होते ही वहाँ पे वॉशरूम, 2 क्लासरूम और कैंपस एडमिन का ऑफिस और रिसेप्शन, लेवल 2 और 3 उसके ऊपर वाला है। सो हमने वो नीचे वाला देख के आए, अभी लेवल 1 पर चलता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में वॉशरूम के पास में आई गेस कुछ थिएटर जैसा बड़ा सा क्लास है, जहाँ पे अभी मैं जिनके साथ आया उनकी प्रेजेंटेशन चल रही है मेरी दोस्त की। अभी चलते ऊपर, यहाँ पे तो सिर्फ वो राइट साइड में थिएटर जैसा क्लास है, और वहाँ पे बात पीछे ख़त्म हो गया। ये वाला वैसे जो फ्लोर है उसकी लाइट भी अभी बंद ही थी, अभी मैं पहले आया था अभी मैंने डोर ओपन करा था इसलिए इसकी लाइट चालू है। यहाँ पे भी अंदर कोई है नहीं, दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ पे भी क्लासरूम है जैसा हमने नीचे देखा था वैसा ही। काफ़ी अच्छे छोटे छोटे, और ऐसे चेयर्स और टेबल इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर अरेंज होते हैं बिकॉज यहाँ पे डिस्कशन या ऐसा कोई असाइनमेंट, ग्रुप असाइनमेंट वैसे सब सब्जेक्ट्स ज़्यादा होता है। सो यहाँ पे भी जैसे नीचे वाला जो एरिया था वही है, और थोड़ा रिक्रिएशनल टाइप या ऐसे कह सकते हैं कि थोड़ा चिल आउट या असाइनमेंट करने के लिए। ये कुछ कुछ ऑफिस है छोटी सी, जहाँ पर एकेडमिक जो एडवाइज़र है या फिर जो प्रोफेसर है फैकल्टीज उनके लिए ऑफिस बनाई हुई है, और वो जो मैंने क्लासरूम दिखाया था वो ऐसा सेम क्लासरूम उस साइड भी है।
अभी चलते हैं थर्ड फ्लोर के ऊपर और देखते हैं वहाँ क्या चीज़ है। यहाँ पे भी क्लासरूम है, मेरे को लग रहा है क्लासरूम नहीं है ये, कोई लैब है बेसिकली, बिकॉज इतने ज़्यादा वरना सिंक और वो सब नहीं होते। किसी केमिकल की भी स्मेल आ रही है यहाँ पे। और ये सेम वैसे ही क्लासरूम जैसा उस साइड देखा था। अब यहाँ से दूसरी साइड में आ चुका हूँ मैं, सो अभी यहाँ से नीचे जाता हूँ। और यहाँ पे नीचे बीच में सिर्फ क्या रह गया वो देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ रह नहीं गया, मैं जहाँ पे अभी दिखा के ऊपर गया था वही है, मतलब ये जो आमने सामने है वो कनेक्ट हो जाते हैं अंदर से, तो उतना कुछ खास है नहीं। अभी बाहर चलते हैं और बाहर जाके आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। अभी पीछे के दरवाजे से मैं बाहर निकल चुका हूँ एंड ये पीछे जो बिल्डिंग है यहाँ से लेके वहाँ तक यही ब्रैंडफोर्ड कैंपस है। बट मैंने गूगल पे अभी सर्च करा था और मेरे को वहाँ पे एक जो लड़की पढ़ाई कर रही थी अभी उसने भी बताया कि इन लोगों के बेसिकली यहाँ पे तीन कैंपस है, यानी तीन ऐसे छोटी छोटी बिल्डिंग है। ये कैंपस था वो 50 वेलिंगटन था और इसके अलावा भी दो और कैंपस है जिसका नाम है आई गेस ECE बिल्डिंग और कुछ एक ब्रैंडफोर्ड म्यूनसिपल एयरपोर्ट करके है। सो इसके अलावा भी आई गेस दो ऐसे बिल्डिंग है जहाँ पे ब्रैंडफोर्ड के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। डिपेंड्स आई गेस कोर्स के ऊपर करता है कि आपका कौन सा कोर्स है। ज़्यादातर जो हेल्थ केयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं वो इसी बिल्डिंग में है, मैंने देखा, क्योंकि मेरे दो जो दोस्त है उसका भी वही कोर्स है। और वो जो दो और कैंपस है वो यहाँ से आई गेस थोड़ा दूर है, आई गेस वॉक या 10-15 मिनट लगेंगे। और पीछे अभी हालत थोड़ी ख़राब है, टॉर्नेडो वार्निंग है, फ़ोन में आ चुकी है। सो अभी जो ECE बिल्डिंग करके जो दूसरा वाला कैंपस था वो यहाँ से पिछले वाले से वेलिंगटन से ऑलमोस्ट 7 मिनट की वॉक था। सो अभी मैं वहाँ पे ही जा रहा हूँ, अगर वो ओपन होगा तो वो आपको दिखाऊंगा। और ये पीछे थोड़े ज़्यादा ही बादल आ चुके हैं, टॉर्नेडो वार्निंग है। सो जल्दी जल्दी कैंपस देख के वापस चलता हूँ और दोस्त की प्रेजेंटेशन चल रही है तो वो आई गेस 7 बजे तक ख़त्म होगी और फिर घर जाएंगे। सो ये रहा दूसरा वाला कैंपस 274 कॉलकॉम स्ट्रीट एंड ये रही उनकी बिल्डिंग, सेम ही मतलब उसी टाइप की बिल्डिंग है आई गेस, उससे भी थोड़ी छोटी है बिकॉज सेकेंड फ्लोर तक ही है। और यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ILTS का सेंटर है एक फर्स्ट फ्लोर पे, और ऊपर की तरफ अगर देख रहे हैं तो कुछ लैब या ऐसा कुछ है, अगर देखता हूँ ओपन होगा तो ही अंदर जाके दिखाता हूँ। सो ये यहाँ पे ये वाली जो बिल्डिंग है उसमें एक साइड तो मैं अभी देख पा रहा हूँ कि ILTS का जो ऑफिशियल सेंटर है वही है, पीछे लगा हुआ बोर्ड। सो ILTS के मतलब जो एग्ज़ाम है उसके लिए छोटे छोटे से क्लासरूम टाइप बनाया हुआ है। दूसरी साइड देखते हैं क्या है, और पीछे आप नज़ारा देख पा रहे हो, इतने ज़्यादा मतलब बादल है एक लाइन में, जो ऐसे बाउंडर टाइप आता है वो उसकी वार्निंग है। मेरे को लगता नहीं आएगा, पहले भी आ चुका है एक बार वार्निंग। सो यहाँ पे अभी ये जो एरिया था वहाँ पे मेरे को 3-4 स्टूडेंट मिले हुए थे पीछे। सो यहाँ पे मेरे को एक भाई मिले हुए हैं, कुलमित भाई करके। हाय गाइस। सो ये बेसिकली कौन सा कोर्स कर रहे हो वैसे आप? मैं जी कर रहा हूँ ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, GBM का कोर्स कर रहे हैं। मेन इंटेक था इनका, सो ऑलमोस्ट 2-3 महीने इनको हो चुके हैं, तो इनसे जानते हैं कि ब्रैंडफोर्ड कैंपस का इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो पहले मेरे को ये बताओ यार, कैंपस का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, कि वर्थ इट है या नहीं है? भाई ऐसा है कि अभी फिलहाल तो ऑनलाइन ही था, लेकिन हमें कैंपस का एक्सेस है। सो कैंपस इज गुड, सभी जो यहाँ पे एम्बेसडर्स है सभी बहुत अच्छे से है ना ट्रीट करते हैं आपको। या इट्स गुड, कैंपस एक्सपीरियंस इज वेरी गुड। और कुछ एक्टिविटीज और वो सब चलता रहता है इधर, जैसे ये पूरा सेटअप उसी के लिए हुआ है पीछे, कि एक्टिविटीज या इवेंट्स ऐसा कुछ होता रहता है। एंड सेकंड थिंग, कि यहाँ पे पार्ट टाइम का कैसा है, कि आसानी से मिल जाती है या बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है स्टूडेंट्स को? ओ यस, पार्ट टाइम का यहाँ पे ऐसा है कि बैक इन इंडिया मुझे भी लगता था कि ब्रैंडफोर्ड यार पता नहीं एरिया कैसा है, बट यहाँ पे पार्ट टाइम का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जॉब आपको मिल जाती है। और मैंने सुना है फैक्ट्रीज भी यहाँ पे है। फैक्ट्रीज है, यस 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 फैक्ट्रीज है यहाँ पे, एजेंसीज है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करो तो वो आपको डायरेक्टली फैक्ट्रीज में भी लगा देते हैं, पार्ट टाइम पे भी। ओके, राइट राइट। एंड यहाँ पे अगर शेयरिंग में अगर रूम रेंट पे लेना हो तो कितने तक अप्रोक्सीमेटली हो जाता है? ऑन एन एवरेज अगर आप देखें, 2-3 रूम मैंने देखे यहाँ पे, तो $400 तक या फिर 450 मैक्स टू मैक्स आपको मिल जाएगा अगर आप शेयरिंग में रह रहे हैं, यूटिलिटीज वगैरह के साथ पे। ओके, और यहाँ पे पीछे मैंने इन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छा सा वो बोर्ड है वहाँ पे बहुत सारी चीजें समझाई थी, तो अगर ये समझा पाए वो चीजें वापस से कैमरा में तो काफी अच्छा रहेगा। तो चलते उधर। सो जी कुलमित भाई बताइए।
सो जैसे आपने बताया ये हमारा पूरा कैंपस है, मतलब ऐसा नहीं कि एक जगह पे ही है, पूरा बड़ा सा कैंपस है. तो दो तीन चार पांच ऐसे बिल्डिंग्स हैं, आपको बताया था. ये कॉलबोन है जहाँ पे अब हम हैं फिलहाल. राइट. तो यहाँ पे सारे ऑफिसेस है, मतलब स्टूडेंट एम्बेसडर जो होते हैं या फिर इंटरनेशनल कमेटी जो है, जो भी आपको डाउट वगैरह क्वेश्चन वगैरह आप यहाँ पे आके पूछ सकते हैं. बाकी जहाँ पे मेन कैंपस जो है हमारा, यहाँ पे वेलिंगटन 50 जो आप देख रहे हैं. ओके. की क्लासेस वगैरह यहाँ पे होती है. तो फिलहाल तो स्टार्ट नहीं हुई है, बट जब होगी वहाँ पे जाना होगा. ओके. इसके साथ में ही जो फैसिलिटीज है यहाँ पे, YMCA इसका कार्ड हमें मिलता है. ओके. तो वी आर इन कोलैबोरेशन विद लॉरी विल्फर्ड यूनिवर्सिटी. मैं आपको उसका कार्ड दिखाया था. तो इट्स बोथ ऑफ देम, आई मीन तो कॉनेस्टोगा और लॉरियर का जो है साथ में कार्ड मिलता है. ओके. सो यू कैन एक्सेस देयर फैसिलिटीज. ओके. सो बेसिकली वी कैन यूज लाइक एनी जिम और एनी फैसिलिटीज. ओके. एक्सेस है इसका, आप एक कार्ड से यूज कर सकते हैं, लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं. तो बेसिकली पूरा ब्रैंटफोर्ड आपका ही है. राइट. और यहाँ पे मतलब अगर ये पूरा एरिया देखोगे तो कॉनेस्टोगा कॉलेज और लॉरियर जो यूनिवर्सिटी है वही आपको दिखेगी. सबको जो भी फैसिलिटीज यूज़ करनी है, अगर इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है आप ये वाले कैंपस में आने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा डेफिनेटली. सो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी कुलमित भाई ने, एक बहुत ही बड़ा थैंक यू. एंड इफ पॉसिबल हुआ तो अगर मैं इनको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दूंगा और इनका आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप ये कैंपस में आने की प्लानिंग कर रहे हैं या आपका कोई भी डाउट है कैंपस से रिलेटेड, सो आप इनको DM कर सकते हैं. आपकी हेल्प जरूर करेंगे. सो थैंक यू सो मच. प्लीज़ फटाफट जाता हूँ, ये लोग बाहर आ चुके हैं जो राइड वाले थे वो सामने ही खड़े हुए. सो दैट्स एवरीथिंग फॉर टुडेज़ वीडियो. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी यार तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एंड फिर कभी मिलते हैं ऐसे किसी ब्लॉग के अंदर. टिल दैन टेक केयर, बाय बाय.